सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्वालियर से आए डॉक्टर उमा शंकर पचौरी ने छात्रों को शिक्षा संबंधी अनेकों ज्ञानवान बातें बताई। उन्होंने पढ़ाई के अनेकों टिप्स, समय का सदुपयोग, चरित्र निर्माण, मातृभाषा का ज्ञान व मानव जीवन से जुड़ी अनेकों ज्ञानवान बातें बताई। इस मौके पर पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उमेद सिंह, डॉक्टर अमित सागवान, प्रोफेसर असीम मिगलानी व अनेक अतिथिगण मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब ये सार है, सिर्फ खेड़ा ने उस वाक्य को लिखा है, जीत आपकी में, मालूम है ना, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ये सार है पूरी दुनिया का, यू हैव टू पे, जो भी पाना चाहते हो, ये दुनिया कैफेटेरिया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, बट यू हैव टू पे, सब उपलब्ध है। तुम आईएएस बनो, खुला पढ़ाए, तुम प्रधानमंत्री बनो, तुम राष्ट्रपति बनो, बट यू हैव टू पे। क्लर्क बनोगे, इतना ही पेमेंट किया है तो आईएएस बनने की कल्पना मत करो। आईएएस बनने के लिए 12 घंटे रोज की पढ़ाई चाहिए, 11 घंटे 45 मिनट पढ़ने वाले के सारे कॉम्पिटिटर हैं और 12 घंटे 15 मिनट पढ़ने वाले का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हम 11 घंटे 45 मिनट पढ़ के ये कहते हैं, पढ़ तो हम भी रहे, जितना चाहिए उतनी मेहनत करने की जगह उससे थोड़ी कम करने के बाद हमको कुछ मिलेगा क्या? मनुष्य होने के लक्षण भूल गए हम। अपने लक्षणों को पहचानो, इन गुरुओं का सम्मान करना सीखो, इनके ज्ञान को प्राप्त करो, मनमुखी से गुरुमुखी बनने की दिशा में बढ़ो। रोज संघर्ष होगा तुम्हारा, तुम किताब पढ़ोगे, मन कहेगा बस, गुरुमुखी हो तो डांट दोगे मन को, मेरे गुरु ने कहा है 8 घंटे पढ़ना है, तू कौन होता है, तब मन तुम्हारा सेवक बन। विभाग अपने छात्रों के उत्थान के लिए एवं में विकास के लिए और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु समय समय पर विस्तार व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन करवाता रहता है। और इसी कड़ी में आज ग्वालियर से आए प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर उमा शंकर रे जी ने विद्यार्थियों के साथ माँ मातृभाषा व राष्ट्रीय चरित्र विषय पर अपना व्याख्यान दिया और विद्यार्थियों को अनुग्रहित किया। विद्यार्थियों को उन्होंने सलाह दी कि अपने समय का उचित प्रबंधन करें और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना लक्ष्य निर्धारित करके सफलता हासिल करें। आज के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना था और डॉक्टर उमा शंकर जी ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से अनेक अनुकरणीय उदाहरण देते हुए बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया और बच्चों ने भी उनसे अनेक सवाल पूछे और उन्होंने उनका अच्छी तरीके से विभिन्न उदाहरणों में तुलनात्मक तरीके से उनका जो है जवाब